कल हम लोग देखे कि किस प्रकार का प्रेम मिला बानर सखा लोगों को, वो अपने घर की सुधि ही भूल गए, घर की सुधि ही भूल गए और हम लोग रुके थे दोहा नंबर 17 पर और दोहा था कि जामवंत नीलादि सब पहिराए रघुनाथ, अहिय धरि राम रूप सब चले नाई पदमास। तो कल डॉक्टर साहब यही कहे थे कि हृदय धरि राम रूप, तो सही गल है, उन सब तो हृदय में राम जी के रूप के बैठा के चल रहे हैं, ठीक न? आप पूछन नहीं गई ना? नहीं, कोशिश तो पूरा बैठा के बैठला बात है, कोशिश बैठाई में तो अब काम हो ही बात नहीं रे, कहे कि भगवान जी सब चलावत हैं पूरा सिस्टम के, और ये समय उन्हीं पर भ्रम होएगा बा, जेके कहलन भाई महाभ्रम, संसार जगत में मन लगा बा, यहाँ भ्रम बा, ऐसे कि कोई भी शरीर ऐसा नहीं बा जो जन्मा हो मरे नो, एक दिन सब नष्ट हुई ने, जो नष्ट हो जाए ओके असत्य कहले, और असत्य में मन लगा बा तो एक अथवा की भ्रम में मन बा, और जेकर नाश कभी नहीं हो अगर ओ में भ्रम हो जाए तो के कहलेन महाभ्रम। तो ठीक, तब अंगद उठी नाई सिरु सजल नयन कर जोरी, अति विनीत बोले वचन मनहु प्रेम रस बोरी। अंगद जी बैठे ही रह गए, वो वहां से उठे नहीं, लेकिन जब देखे कि लोग जा रहे हैं तब अंगद जी उठ करके प्रणाम करते हैं और नेत्रों में प्रेम के आंसू को भर कर, प्रेम आंसू को भर कर विनम्र भाव से, जैसे कि बाणी को प्रेम रस में डुबा करके बोले हो। प्रेम रस माने जहां पर कोई वासना न हो तब प्रेम होता है, अगर कोई वासना है तो प्रेम नहीं हो सकता। क्या कह रहे हैं अंगद जी कि सुनु सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधो, अदीन दया कर आरत बंधो, अमरति बेर नाथ मोहि बाली गयउ तुम्हारे ही को छे ढकाली जी गोद में कह रहे हैं कि हे सर्वज्ञ, अब चूंकि अंतरात्मा में वही बैठे हैं तो आप देख लीजिए आपकी सब बात वो जानते हैं, ठीक। तो कहते हे सर्वज्ञ, हे कृपा और सुख के समुन्दर, दीनों पर दया करने वाले ईश्वर कभी भी घमंडियों पर और अहंकारियों पर दया नहीं करते। घमंड, अहंकार, अज्ञान, यह सब निकालना जीव का कार्य है, जीव को प्रयास करना चाहिए। अगर ये सब नहीं किए हैं, अहंकारी है, तमाम पंथ चला रहे हैं, अपना नाम करना है, ढेर सारा ड्रामा करना है, लोक मान्यता चाहिए, ठीक ना?
ये सब व्यवस्था अगर है तो वहाँ कपट है। तो कहते हैं कि दीनों पर दया करने वाले आर्तों के बंधु, आर्त माने जो बिल्कुल दुखी हो, है ना, उसी के बंधु हैं, उसी के सखा हैं। और जिसके अपने ऊपर अभिमान बाकी काम हम कर लेती तो भगवान के कृपा दृष्टि नहीं नहीं रहो, शरीर दे दें तार जोन मन करे तो करो। कहते हैं कि आर्तों के बंधु सुनिए, मरते समय मेरे पिता बाली मुझे आपकी गोद में डाल गए थे और देख रहे हैं कि आप सबकी विदाई कर रहे हैं तो असरन सरन बिरदु संभारी अमोहि जनिता जहूं भगत हितकारी अमोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता जाऊं कहां तजी पद जल जाता। अंगद जी की बाड़ी है जिनका चरण छूने के लिए रावण तक आ गया था, सबसे बड़ा अहंकारी भाई, वो तो उठाने के लिए आया था, नतमस्तक होने के लिए नहीं, लेकिन था ना। तो ऐसी अवस्था एक भक्त ही कर सकता है। कहते हैं कि हे भक्तों के हितकारी, अपना आश्रण और शरण यानी कि बीरद याद करके मुझे मत त्यागिए नाथ, मेरे तो स्वामी गुरु पिता माता सब कुछ आप ही हैं, आपके चरण कमलों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊं। अंगद जी भगवान जी से पूछ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे अच्छी सीख मिलती है वो यही है कि आपके भी शरीर से जितने माता पिता भाई बंधु जो भी जुड़े हैं सबको राम जी का ही अंश जानकर सेवा करें। जो सेवा कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं, हम और हमार ममता के अंदर अगर सेवा करेंगे तो उसमें खाली परिश्रम हाथ आएगा और कुछ नहीं। तो फिर क्यों मिलावट रखें जी समझा जाए बड़ा सरल बात। तो तुम ही बिचारी कहूँ नर नाहा प्रभु तजी भवन काज मम का बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना राखहू शरण नाथ जन दीना। अंगद जी कह रहे कि महाराज आप ही विचार करके कहिए, भगवान जी अब क्या विचार करेंगे। अरे भाई जहाँ है जिस आश्रम में है मेरा भजन करिए और सेवा करिए। देखिए कैसा चरित्र जा रहा है। अंगद जी कहते हैं कि महाराज आप ही विचार कर कहिए कि आपको छोड़कर घर में मेरा क्या काम है। अगर आप ही को छोड़ दें तो घर में क्या काम है। इसलिए सबसे यही कहता हूँ प्रभु कि बात ईश्वर को ही अपना स्वामी और अपने आप को सेवक बना करके सेवा करें। कहते हैं कि हे नाथ ज्ञान बुद्धि और बल से हीन बालक तथा दीन सेवक को शरण में रखिए और मैं क्या करूंगा यहाँ रह के। तो नीची टहल गृह कै सब करी हूँ
अपद पंकज बिलोकी भवतरी हूँ, अस कही चरण परेऊ प्रभु पाही, अब जनी नाथ कहू गृह जाई। कह रहे कि मैं घर की सब नीची से नीची सेवा करूंगा और आपके चरण कमलों को देख देख कर भव सागर से पार हो जाऊंगा। ऐसा कह करके अंगद जी श्री राम जी के चरण में गिर जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु मेरी रक्षा कीजिए और ये मत कहिए कि आप घर जाइए, ये मत कहिए। तो अंगद बचन विनीत सुनी रघुपति करुणा सीव, प्रभु उठायूर लायऊ सजल नयन राजीव। अंगद जी की विनम्र वाणी सुनकर करुणा की सीमा प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उनको उठा करके हृदय से लगा लिया और प्रभु के नेत्र कमलों में प्रेम आंसुओं का जल भर आया। देखिए भक्तों के लिए उनके आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, इतना वो जो है भक्त का सम्मान करते हैं कि अपने ब्रह्म नीति से भी नर नीति पर उतर आते हैं। आज कोई थोड़ा सा गलती करता तो लोगों के अंदर एक द्वेष का भाव आ जाता है, क्षमा का भाव, तो क्षमा भाव ये सदगुण है। ठीक, तब क्या करते हैं प्रभु कि निज उर माल बसन मणि अपालित नय पहिराय, विदा कीन्हि भगवान तब बहु प्रकार समुझाय। तब श्री राम जी अपने हृदय की माला ही उतार करके उनके गले में पहना देते हैं और वस्त्र और मणि यानी रत्नों के जो आभूषण है बाली पुत्र अंगद को पहनाकर और बहुत प्रकार से समझाकर उनकी भी विदाई करते हैं। और कैसे भरत अनुज सौमित्रि समेता पठवन चले भगत कृत चेता, अंगद हृदय प्रेम नहीं थोरा फिरी फिरी चितव राम की ओरा। भक्त की करनी को याद करके, अंगद जी की करनी को याद करके श्री राम जी भाई भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न तीनों लोगों को पहुंचाने के लिए साध भेजते हैं। अंगद जी के हृदय में थोड़ा प्रेम नहीं है, पूरा का पूरा जो है प्रभु के प्रेम में वो मग्न है और जाते वक्त राम जी को मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, कहीं प्रभु अब से भी बोलने के तरह मत जा। ठीक, देखो राम जी का ये चरित्र ऐसे जो है कि एक बड़ा विशेष तत्व वाला है। ठीक, तो बार बार कर दंड प्रणामा अमन यस रहने कहीं मोहि रामा, राम बिलोकनी बोलनी चलनी सुमिरी सुमिरी सोचत हंसी मिलनी। वो अंगद जी बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं, मन में ऐसा आता है कि श्री राम जी मुझे रहने को कह दे। वे श्री रामचंद्र जी के देखने की बोलने की और चलने की तथा हंस करके मिलने की यह जो
भाव है उसी रीति को याद कर करके सोचते हैं और दुखी होते हैं, क्योंकि बात आज कलयुग में यहाँ तक आ गई है कि लोगों को बोलने की चलने की भी ज्ञान नहीं रहा, कपड़ा पहनने तक का ज्ञान नहीं है, ठीक ना। ये सब चीजें बहुत जो संस्कार की चीजें रही हैं अब धीरे धीरे विलुप्त हो गई और फैशन का एक अलग ही जमावड़ा है, तो इसको देखिएगा। तो प्रभु रुख देखी विनय बहु भाखी, अचल उही दया पद पंकज राखी, अति आदर सब कपि पहुचाए, भाइन सहित भरत पुनियाए। देख तो रहे हैं अंगद जी की कम से कम रोक ले, लेकिन ऐसा नहीं है। तो प्रभु का रुख देख करके बहुत से विनय वचन कहकर तथा हृदय में प्रभु के चरण कमलों को रख करके लोग चल दिए और अत्यंत सम्मान के साथ सभी वानर बंधुओं को पहुंचाकर भाइयों सहित भरत जी वापस लौटे। इस समय हनुमान जी भी चले गए हैं, ध्यान दीजिएगा डॉक्टर साहब। लेकिन जब लोग भाई भरत जी लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी लौट जाते हैं तब सुग्रीव चरण गही नाना, अभाति विनय कीन्हे हनुमाना, अदिन दस करी रघु पति पद सेवा, पुनि तव चरण देखी हूँ देवा। तब हनुमान जी कहते हैं सुग्रीव जी का चरण पकड़ लेते हैं और अनेक प्रकार से विनती करते हैं और कहते हैं कि हे देव, कुछ दिन, 10 दिन कहते हैं कि कुछ दिन, 1-10 दिन के आसपास श्री राम जी के चरण सेवा करके फिर मैं आपके चरणों का दर्शन करूं, माने आप लोग जाइए और मुझे छोड़ दीजिए। तो पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, सेवहु जाई कृपायागारा, अस कही कपि सब चले तुरंता, अंगद कहई सुनहु हनुमंता। तब सुग्रीव जी, भाई वो कपिपति है, बांदरों के राजा हैं, कहते हैं हे पवन कुमार, तुम पूर्ण की राशि ही हो, जो भगवान ने तुमको अपनी सेवा में रख लिया, जाकर कृपा धाम श्री राम जी की सेवा करो। सब बानर लोग ऐसा कह करके तुरंत चल पड़े। तो अंगद जी करे, हनुमान जी सुनो क्या कह रहे हैं कि कहे हूँ दंडवत प्रभु से, तुम ही कहूँ कर जोरी, बार बार रघुनायक ही सूरति कराए हूँ मोरी। कहते मैं हनुमान जी आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ कि प्रभु से मेरी दंडवत कहना और श्री रघुनाथ जी को बार बार मेरी याद कराते रहना, कम से कम यही के बहाने प्रभु हमारे याद करेंगे। तो अस कही चले बाली सुत, अब फिर आयो हनुमन, अता सुप्रीति प्रभु सन कही मगन भये भगवन। ऐसा कह करके अब अंगद जी भी चल देते हैं और हनुमान जी लौट आते हैं और आ करके
प्रभु श्री राम जी से अंगद जी के प्रेम को बखान करके कहते हैं, और उसको सुन करके भगवान के मन को मतलब कि बहुत ही प्रसन्नता होती है और प्रेम में मग्न हो जाते। इतना प्रेम कोई करे वाला हो तब ने को हरिश्चंद हरिश्चंद बात हो जाए देखे गुरु कब कहो ले। इतना प्रेम करो काल बड़ा सही जगह रुका रहे, जितना मन पत्नी में लगा हो उतना प्रेम भगवान के चाहिए, ठीक ना? पत्नी के तो छोड़ दे ले हमना, ध्यान दे ना मैं बात, ध्यान दे। देखो अभी है दोहा समझे वाला बात, भगवान जी कैसे कैसे कोई समझ ले ई जोन दोहा बोले जाते ही, इतनी बड़ी व्यवस्था बा, लेकिन अब भगवान जी अपन काम करके उन्हों के जाए के बाद धीरे धीरे ये राग वो जोन बा ओके खत्म करिए ने, तो पुलिस चाही कठोर अति अकोमल कुसुम चाही चित खगेश राम कर समुझी परई कहू काही। निशान लगा लीजिएगा डॉक्टर साहब। भुसुंडी जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, श्री राम जी का चित वज्र से भी कठोर है और फूलों से भी कोमल। अब एक रहे तब ना आदमी समझे, ये वज्र से भी बढ़ के कठोर उनका चित्त है और फूलों से भी कोमल कल्याण हो भाई। कहते हैं कि तब कहिए कि यह किसके समझ में आ सकता है। यह है ईश्वर उनका भी नियम है कि जब तक आप मन वाणी कर्म से उनका सेवक नहीं बन जाएंगे तब तक वो अपने में आपको मिला नहीं सकते, ये उनका निश्चित सिद्धांत है। क्योंकि अगर वही मिलावटी हो जाए तो फिर सारा संसार जगत कैसे पवित्र हो सकता है। देखिए इतने लोग तो चल गए, अभी निषाद राज जी बाकी हैं, लौटते वक्त आ गए थे फिर। तो पुनि कृपाल लियो, पुनि कृपाल लियो बोली निषादा, दिने भूषण बसन प्रसादा, अजाहु भवन मम सुमिरन करेहु, मन क्रम बचन धर्म अनुसरेहु। देखिए समझिए, फिर कृपालु श्री राम जी ने निषाद राज जी को बुला लिया और बुला लिए और उन्हें आभूषण वस्त्र प्रसाद में दिए, फिर कहे कि अब तुम भी घर जाओ, वहां मेरा स्मरण करते रहना और मन वाणी एवं कर्म से धर्म के अनुसार चलना। आज जो वेदों में बताया गया धर्म है कंदरा को छोड़कर, जो समाज में जितने भी लोग बैठे हैं एक भी व्यक्ति उस मार्ग पर नहीं चल रहा है। सिस्टम के अंदर जो कि ब्राह्मण क्या कहते हैं ब्रह्मचारी यानी विद्यार्थी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो या संन्यास ले चुका, एक भी नहीं। ये कलयुग का बड़ा विशेष प्रभाव है। और तुम मम सखा भरत सम भ्राता, असदा रहे हुपुर आवत जाता, अब बचन सुनते उपजा सुख भारी, अपर उचरण भरी लोचन बारी।
श्री राम जी कह रहे हैं निषाद राज जी से कि आप मेरे सखा हो और भाई भरत के समान हो, अयोध्या में सदा आते जाते रहना। यह वचन सुनते ही निषाद राज जी को भारी सुख उत्पन्न हुआ और नेत्रों में आनंद और प्रेम के अश्रुओं का जल भरकर वह निषाद राज जी चरणों में गिर पड़े। चरण नलिन उर धरि गृह आवा, प्रभु सुभाव परि जनहि सुनावा। रघुपति चरित देखि पुरवासी, पुनि पुनि कहहि धन्य सुख राशि। उसके बाद निषाद राज जी भगवान के चरण कमलों को हृदय में रख कर, देखिए प्रभु से आप लोग भी छूटे हैं अहंकार के कारण, यदि इसी क्षण से हृदय में उनको बैठा ले और सेवा भाव से सेवा करे तो परम पद बहुत ही आराम से प्राप्त हो जाए। तो कहते हैं कि निषाद राज जी प्रभु के चरण कमल को हृदय में रख करके घर आते हैं और आकर के अपने कुटुंबियों को प्रभु का सब स्वभाव सुनाए, प्रभु का सब स्वभाव सुनाए और श्री राम जी का चरित्र सुनकर और देखकर अवधपुर वासी बार बार कहते हैं कि सुख की राशि श्री रामचंद्र जी धन्य है। देखिए डॉक्टर साहब यहाँ समझ लीजिए, जो बिल्कुल फर्चा फर्चा व्यवस्था है, इतना तो समझ में आ गया है कि यह संसार स्वार्थ का है। इसी में से जब अपने आप को प्रभु के करीब लेते जाएंगे और समर्पण भाव होता रहेगा और बाद में ऐसा हो जाए कि मात्र जो है सिर्फ देना ही देना हो, लौ का कहीं जगह न बचे, तब वही जो है मुक्त की अवस्था हो जाती है। और अगर कोई इस चरित्र का अनुसरण करे तो वह प्रभु राम तो नहीं लेकिन राम जी जैसा जरूर कर सकता है। जब पता हो गया कि ऐसा ही चरित्र करना है तो शरीर के माध्यम से कर सकते हैं, क्योंकि उनका शरीर दिव्य तत्व का बना हुआ है और यह है पंचभूत तत्व का शरीर, उसी को परमार्थी कहते हैं, जो हमेशा के लिए दाता बन जाए। पंचभूत का शरीर लेकर वही होता है परमार्थी। पंचभूत का शरीर धारण करने वाला कोई भी मनुष्य भगवान नहीं हो सकता, ठीक। संसार जगत में कोई जो है अपना फोटो मूर्ति अगर पूजवाने का प्रयास करता है तो वह निहायत ही दम्भी मनुष्य होगा, संभव ही नहीं, ठीक ठीक ना। जय श्री राम।